नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, लगभग सारी बुक्स में रहता है और पहले ओलंपियाड्स में भी आया करता था। तो दिस क्वेश्चन सेज वी हैव टू प्रूव दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर दिस एक्सप्रेशन इज इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल का मतलब होता है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 12/15 इज इररिड्यूसिबल, इसको हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। बट अगर 12/25 लें, दैट इज इररिड्यूसिबल, उसमें कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव इज इन दोनों जो ये टर्म्स हैं इनका जो जीसीडी है या इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यही प्रूव करना है। सिंपल, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दो टर्म्स दिए हुए हैं इनका जो जीसीडी है वो वन है, इनका इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको मानने के लिए हम इसका उल्टा मान लेते हैं। हम ये मानते हैं, लेट्स अज्यूम एक नंबर है डी दैट डिवाइड्स 12n+1 एंड ऑल्सो डिवाइड्स 30n+2। मैंने ये माना कि जो d है वो इन दोनों को डिवाइड करता है। इसका मतलब हम d को कैंसिल कर सकते हैं। मैं कॉन्ट्रेरी मान के चल रहा हूं, बाद में मैं दिखाऊंगा कि d की वैल्यू 1 ही आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि d विल डिवाइड देयर gcd, d इनके gcd को डिवाइड करता है, क्योंकि अगर d इनको डिवाइड करे तो इनके gcd को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद हमें अब ये प्रूव करना है कि इनका जो GCD है वो 1 आ रहा है। तो उसके लिए हम बेजाउस आइडेंटिटी लगाने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेजाउस आइडेंटिटी ये बोलती है कि अगर A और B दो नंबर्स हैं सच दैट उनका अगर GCD 1 है तो XA प्लस YB क्या होगा, 1 होगा। अगर आप इन नंबर्स को यहाँ देखें 12n+1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, -2 × 30n+2 करें, तो इससे ये n कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 12n+1 और 30n+2 का जो जीसीडी है वो 1 आ गया। इनका जो जीसीडी है दैट इज 1, क्योंकि यहां इसका कन्वर्स लग रहा है, ये चीज हमारी 1 आ गई तो इनका जीसीडी 1 आ गया। अगर इनका जीसीडी 1 आ गया इसका मतलब डी डिवाइड्स, इसका मतलब क्या हुआ, डी डिवाइड्स 1, इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 इज द ओनली नंबर जो इनको डिवाइड करता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इररिड्यूसिबल है। तो बेसिकली जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको क्या करना होता है, उनमें आपको ये दिखाना होता है कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। और ये जो बेजाउस आइडेंटिटी है, बेजाऊ आइडेंटिटी से आप ये प्रूव कर पाते हैं। तो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बेजाउस आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।